हेलो फ्रेंड्स, आपका लोकल हॉस्पिटल जो कि दाना मंडी गेट नंबर 2 अबोहर में है, आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में बात करेंगे लेसिक के बारे में। लेसिक सर्जरी या लेसिक लेजर क्या होता है, इसकी टेक्निक क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, इसमें सेफ्टी फैक्टर्स क्या है, सब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले लेसिक होता क्या है। लेसिक के अंदर इट्स वेरी टाइम टेस्टेड एंड कंप्यूटर टेक्निक है, जिसके अंदर हम एग्जाम्बल लेजर द्वारा कॉर्निया को जेंटली रीशेप करते हैं। रीशेप करने से जो उसमें नंबर है -1 से लेकर 10 डायरेक्टर तक प्लस का नंबर है या सेंट्रिक का नंबर है वो 0 हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि इसमें प्रोसीजर क्या होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक आई ड्रॉप डालते हैं जिससे कि पेशेंट की आँख नम हो जाती है। इसमें कोई इंजेक्शन या बैंडेज की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट यानी ये पेनलेस प्रोसीजर है। क्योंकि पेन किस तरह पेन नहीं होता है, पेशेंट को आई ड्रॉप डालने के बाद में उसकी आँख नम होने के बाद हम एक इंस्ट्रूमेंट से आँख को पकड़ते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से एक फ्लैप बनता है, जो कि फ्लैप कहाँ बनेगा, हम जो आई का मॉडल है इसमें इसको हम जो आउटर जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्निया। दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया में भी हम कॉर्निया का जो सेंटर पोर्शन है उसके अंदर एक फ्लैप बनेगा, इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा, दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो हम माइक्रोक्यूरेटर बोलते हैं उससे फ्लैप बनेगा। फ्लैप लाने के बाद में इसके ऊपर लेसिक किरणें गिरेंगी। लेसिक किरणें से जो भी नंबर है ये कंप्यूटराइज होता है। जो नंबर हम कंप्यूटर में फीड करेंगे -2, -3, -4 जो भी है वो आपका नंबर इसमें 0 हो जाएगा। ये टोटली कंप्यूटर होने के कारण इसमें जो ह्यूमन एरर है 0 हो जाती है। इसके बाद में बात आती है जी ये क्या सेफ है। इट्स 100% सेफ टेक्निक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत निल है। इसके अंदर सिर्फ कुछ पेशेंट के अंदर, वो भी कुछ महीने बाद जो ओवरव्यू कंप्यूटर करते हैं उसके अंदर आँख में ड्राइनेस आती है, आँख का पानी बनना हल्का कम हो जाता है। उसके अंदर हम कुछ आई ड्रॉप्स करते हैं जिसको लुब्रिकेंट ड्रॉप्स बोलते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बात आते हैं कि हम लेसिक किस किस पेशेंट में कर सकते हैं। लेसिक के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर है, हम 18 के बाद में। और दूसरा बात, उस पेशेंट के अंदर जो नंबर है जिससे पर होना चाहिए लास्ट 1 ईयर के लिए, 1 साल के नंबर चेंज नहीं होना चाहिए और एज 18+ होनी चाहिए, उस पेशेंट में हम लेसिक कर सकते हैं। दूसरा है कि नंबर कितने नंबर तक हम कर सकते हैं, इसमें होता है -1 से लेकर -10 डायरेक्टर तक, +1 से लेकर +6 डायरेक्टर तक, एंड सेकेंडरी के नंबर में -1 से लेकर -6 डायरेक्टर तक हम चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इसमें हमें प्रिकॉशन क्या लेनी है, सावधानी क्या लेनी है ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद में। ऑपरेशन से पहले की सावधानी कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें हम कुछ मेडिसिन देते डालने के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने होते हैं, और जो कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे होते हैं वो 1 वीक प्रायर हटाना होता है। ऑपरेशन के बाद में भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें प्रिकॉशन नहीं है, सिर्फ आँख को हाथ पानी गीला नहीं करना होता है, और आप विद इन फ्यू डेज 2-3 दिन के बाद में अपना नॉर्मल रूटीन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए लेसिक आज के टाइम में बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जो कि बड़ी डे बाई डे काफ़ी लोगों में इसके लिए रुझान बढ़ रहा है। इसलिए लेसिक के लिए जो भी, इसके अलावा आपकी क्वेरीज होंगी तो इसके लिए मेरे कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। धन्यवाद।